अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ वेरी न्यू सीरीज, बेसिकली मीडिएशन। इन दिस सीरीज ऑफ मीडिएशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एड्स, हाउ द एडवर्टीजमेंट्स आर मेड एंड हाउ द मीडिएशन शेप्स आर माइंड। पहली वीडियो हमारी है मीडिएशन के बारे में। आई विल डिस्कस दैट व्हाट आर मीडिया स्टडीज, मीडिएशन का हमारे कल्चर पे, हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पेक्ट है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मेजर बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रोनाल्ड बार्थ्स। ठीक है, साइन क्या है, सिग्निफाइड को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम कुछ कॉनोटेशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, जिससे आपको ये पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ मीडिएशन की। नाउ व्हाट इज मीडिया। ठीक है, अब देखें मीडिया या मैसेस, ठीक है, आप इसको मास पढ़ लें, मैस पढ़ लें। अगर आप बात करें तो पहले तो आप ये देखेंगे हम रह ही एक मास मीडिएटेड वर्ल्ड में रहे हैं। ठीक है, मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम आप वही सोचते हैं, आप वही काम करते हैं जो आप सोशल मीडिया से या दूसरे मीडिया से इंस्पायर होकर वो चीज़ अपने ऊपर अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मीडिया के थ्रू एक चीज़ को की कॉनोटेशन दिखा दी गई है, लाइक द ब्लू कलर विच रिप्रेजेंट्स द सूदनेस या कामनेस, तो आप हमेशा ब्लू कलर की परसेप्शन कामनेस या सूदनेस से ही लेंगे। ठीक है, अगर आपको रेड कलर की जो परसेप्शन है वो आपके जहन में डेंजर की बना दी गई है, ठीक है, या किसी सेडक्टिव मीनिंग में बना दी गई है, तो आप रेड कलर को उसी चीज़ के साथ हमेशा ज्वाइन करेंगे, उसी चीज़ को ही इंटरप्रेट करेंगे। तो मीडिया बेसिकली इन्फ्लुएंसेस आर माइंड, मीडिया शेप्स आर माइंड। आप देखें आज के दौर में हमारे पास कम्युनिज्म नहीं रहा, वी लिव इन द वर्ल्ड फुल ऑफ कैपिटलिज्म। ये तो आपको पता होगा कि हम अपनी दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज सो मच इंटरकनेक्टेड। और किस वजह से इंटरकनेक्टेड है? थ्रू कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये देखें कि मीडिया का काम क्या है। मीडिया का काम है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज। ठीक है, ये एक पुल के तौर पे काम करता है, डैट कनेक्ट्स द एंटिटीज। ये दो तरह के लोगों को जोड़ता है। अब किस तरीके के लोगों को जोड़ता है? एक तो ऑडियंस को, या कंज्यूमर को, कस्टमर को, किसी भी चीज़ को। यानी कि एक एज पे हमारे पास कंज्यूमर है, यानी कि हम हैं, और एक टाइम पे हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिसको एडवर्टाइज़र ने या किसी मैनेजर ने सेल करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी क्लोथ, इट कैन बी आइडियोलॉजी, इट कैन बी थिंकिंग। हम किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, लाइक एवरीथिंग इज टू बी सोल्ड ना। सो मीडिया एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द कंज्यूमर एंड द लाइक द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब देखें हमें जो नॉलेज मिलती है मीडिया के थ्रू, उस नॉलेज को हम कहते हैं ट्रिविया। ट्रिविया, TRIVIA, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, या आप टर्म याद रखिएगा। ट्रिविया इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन, द मैस मीडिएटेड नॉलेज डैट वी गेट थ्रू द मीडिया, वी गेट थ्रू द मीडिएशंस, एंड इट इज़ द लैंग्वेज, इट इज़ द ट्रिविया डैट शेप्स आर माइंड। इट शेप्स आर माइंड एट आइदर प्रूव इट डैट द थिंकिंग डैट वी आर लाइक द थॉट्स डैट वी आर थिंकिंग आर आइदर रॉन्ग और राइट। ठीक है, तो ट्रिविया बेसिकली इज़ द इंफॉर्मेशन डैट इज़ कलेक्टेड थ्रू द मीडिएशंस, और वही इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को एक तरीके से शेप करती है कि हम उस चीज़ के बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रोनाल्ड बार्थ्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि इसकी सारी थ्योरी जो है वो डैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्डिनेंड डी सोश्योर। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बता दूं मीडिएशन को, तो इतना ही बताने का बहुत है कि वी लिव इन अ वर्ल्ड लाइक अ कल्चर ऑफ मीडिएशन। हम वही चीज़ परसीव करते हैं, हम वही चीज़ अपने माइंड में बिठाते हैं जो हमें दिखाई जाती है, जो हमें सुनाई जाती है, जो हम एक्वायर करते हैं थ्रू मीडिया, डैट इज़ बेसिकली मीडिएटेड कल्चर। कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हमें मीडिया चला रहा है, जो हमें दिखाया जाता है हम वही करते हैं, हम वही सोचते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करते हैं फर्डिनेंड डी सोश्योर की थ्योरी की। अब आप सिंपल सब कुछ भूल जाएं कि हमने लाइक कुछ डिफिकल्ट है ये, इसमें कुछ मुश्किल है, आप मेरी बात आराम से सुने। देखें, सोश्योर ने बोला
कि दुनिया में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, वो वर्ड्स हैं, वो स्पेलिंग्स हैं, वो कुछ भी है, आप उसको फिजिकल एस्पेक्ट ना दें. आप किसी चीज़ को एट द फर्स्ट टाइम देखते हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि वो हमारे पास एक साइन है, एक सिंबल है. ठीक है, नाउ व्हाट इज साइन? साइन हमारे पास ओरल भी हो सकता है, ठीक है, वर्बल भी हो सकता है. अब साइन को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक साइन हमारे पास वर्बल है, विजुअल है, ऐसी चीज़ जो कि हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करे, किसी चीज़ की तरफ सिंबलाइज करे, वो हमारे पास एक साइन है. ठीक है, अब देखें, फॉर एग्जांपल इस बुक में अगर आप एंड्रयू टॉल्सन की बुक को प्रेफर करें तो देर इज़ अ एड ऑफ क्लीनिक्स बुटीक. ठीक है, ये टिश्यू पेपर का एड है जिसके अंदर हमें एक टिश्यू बॉक्स मिलता है जिसके अंदर फ्लावरी टिश्यूज़ हैं, लाइक द टिश्यूज डैट आर शेप्स इन टू द रोजेज. तो एक साइन हमें मिलता है जो चीज़ एक्चुअल हमारे पास है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द साइन, लाइक अगर मैं आपको इसकी जनरल डेफिनेशन बताऊँ ना, तो साइन इज समथिंग डेट स्टैंड्स फॉर समथिंग. इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ जेस्चर, इट कैन बी एन इमेज विच कैन लाइक विच वी कैन सी, विच वी कैन हेयर और विच वी कैन टेस्ट. ठीक है, सोशियर ने ये बोला कि साइन हमारे पास एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. अब वो कुछ भी हो सकता है. उसने कहा कि आप वर्ड को ना देखें, वो वर्ड होगा, वो इमेज होगा, वो जेस्चर होगा, वो हमारे पास वर्ड या स्पेलिंग्स नहीं है, वो हमारे पास बेसिकली साइंस हैं, सिंबल्स हैं. ठीक है, विच कैन सी, लाइक विच वी कैन सी, विच वी कैन हियर, जो हम अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं, डैट इज़ बेसिकली अ साइन. अब सोशियर ने कहा कि हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं साइन को, एक सिग्निफायर में और एक सिग्निफाइड में. सिग्निफायर उस चीज़ का मटेरियल एस्पेक्ट है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टिश्यू पेपर्स की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोजेज की शेप में टिश्यू पेपर्स बने हों, तो फौरन उसको देखकर जो एक इमेज हमारे माइंड में आती है डेट दे आर द रोजेज, तो हम कहते हैं कि हाँ ये हम, ये उसका एक सिर्फ जनरल एक व्यू है, एक साइन है, एक सिंबल है जो हमें नज़र आया, उसको हम कह रहे हैं ये एक साइन है हमारे सामने. लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसको देखकर उसने मुझे क्या मीनिंग दिया, वो रेड रोजेज हैं, ठीक है, वो किस तरीके से बने हुए हैं, लाइक सिग्निफाइड क्या होते हैं, हमें जो सिग्निफायर्स होते हैं वो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उस चीज़ का, कि अगर एक चीज़ मुझे वर्बली या विजुअली दिखाई जा रही है तो उसका मटेरियल एस्पेक्ट मेरे सामने क्या है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सिग्निफायर. और अगर हम बात करें सिग्निफाइड की, तो आप देखिए उस टिश्यू पेपर को देख के आपके जहन में क्या परसेप्शन आती है, अब आप उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक उस चीज़ को परसीव करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर एक लैपटॉप को देख के मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, तो मेरे जहन में अच्छी कॉनोटेशन ही आएगी उसको लेकर, या सोसाइटी ने उस चीज़ के साथ जो चीज़ जोड़ी होगी मेरे जहन में वही चीज़ आएगी. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ, देयर आर मेनी वर्ड्स, ठीक है, जो कुछ सोसाइटीज़ में तो अच्छे माने जाते हैं, और अगर वही वर्ड आप कुछ और सोसाइटीज़ में यूज़ करें तो वो बुरे माने जाते हैं. मैंने अपनी ये कॉलोगेशन और कॉलिगेशन वाली वीडियो में बहुत बहुत डिटेल्ड इसका एक इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कॉनोटेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशन क्या होती है और नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होती है. अब अगर आप बात करें क्रिटिकल एनालिसिस की, तो अब आप अगर इंग्लिश की उसमें बात करें तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि कोई नेगेटिविटी निकालना, उसके फ्लॉज निकालना उस रिसर्च पेपर के, या उसमें से कोई गलती निकालना इज़ समथिंग क्रिटिकल. कि आप किसी पे अगर क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, इट मींस कि आप उसकी नेगेटिव पॉइंट्स निकाल रहे हैं. लेकिन अगर हम इसको एकेडमिक मीनिंग में देखें, तो उसका ये मतलब है कि हम किसी चीज़ को बहुत ही डीपली स्टडी कर रहे हैं, उस चीज़ की हर मुमकिन इंटरप्रिटेशन को हम स्टडी कर रहे हैं. तो दीज आर द कॉनोटेशंस कि आप उस चीज़ के बारे में क्या परसीव कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी क्या परसीव कर रही है, और वही टर्म अगर मैं किसी और सोसाइटी या किसी और कल्चर में लेकर चले जाऊँ, तो वो कल्चर उस चीज़ को क्या परसीव कर रहा है. दिस इज़ बेसिकली कॉनोटेशन. ठीक है, तो भाई सोशर ने कहा कि दो सिस्टम है भाई, एक तो सिग्निफायर है और एक सिग्निफाइड है. सिग्निफायर तो हमें देख के, सिग्निफायर तो वो चीज़ है ना जो हमें मीनिंग दे रहा है, जो हमें देख के समझ आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ है. और सिग्निफाइड हमारे पास बेसिकली वो कॉन्सेप्ट या वो मीनिंग है जो उस चीज़ को देख कर हमारे जहन में आता है, मतलब जिस मटीरियल को हम देख रहे हैं, ठीक है, वो सिग्निफायर है, और उससे जो मीनिंग्स हम परसीव कर रहे हैं वो सिग्निफाइड है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक सर्कल दिखाऊँ ब्लू कलर का, सर्कल दिखाऊँ ब्लू कलर का, इट आपको फ़ौरन जहन में देख के क्या आएगा, ये एक साइन है. फॉर एक साइन मैंने आपको दिखा दी ना, एक चीज़ है. अब साइन आप किसी भी चीज़ को समझ लो, कोई इमेज है, कोई वर्ड है, कुछ भी है,
ये आपने समझ लिया साइन है, ब्लू कलर का सर्कल। बट आप देखें कि वो कलर ब्लू वो हमारे पास सिग्निफायर है जो हमें किसी चीज़ का मीनिंग दे रहा है। और एट द सेम टाइम अगर मैं मेरे जहन में जो सोसाइटी की परसेप्शन है, ब्लू ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर द सूदनेस, मैंने आपको बताया सुकून के लिए, कामनेस के लिए वो कलर माना जाता है, सिंबल माना जाता है। तो उस चीज़ को वो जो परसेप्शन मेरे माइंड में आई है उस कलर को देख के वो मेरे पास सिग्निफाइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड कलर देखें, रेड कलर इज़ द सिग्निफायर दैट इज़ गिविंग यू द मीनिंग। और सिग्निफाइड आपके पास क्या होगा, डेंजर, ठीक है, लव, फायर, या किसी चीज़ से मना करने के लिए रेड कलर का क्रॉस लगाया जाता है। तो जो मीनिंग आप परसीव कर रहे हैं वो हमारे पास सिग्निफाइड है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ में आपको कोई इशू रह जाएगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सोशियोर ने बेसिकली एक डाइकॉटमी या एक डाइडेक्टिक स्टडी हमें दी थी, डायडिक, ठीक है, जिसमें उसने हमें मॉडल दिया था साइन का, कि साइन इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ टू मेजर एलिमेंट्स, वन इज़ द सिग्निफायर, अदर वन इज़ द सिग्निफाइड, ठीक है, वन गिव्स द मीनिंग एंड अदर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग दैट वी परसीव, ठीक है। तो ये हमारे पास था। सो अब हुआ क्या, अगर आपको ये समझ आ गई ना तो बार्थ का समझने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब भाई सोशियोर ने हमें बोला कि साइन है, सिग्निफायर है, सिग्निफाइड है। रोनल्ड बार्थ्स ने क्या किया, वो सारे का सारा सिस्टम उठाया और उठा के मीडिया में डाल दिया कि अगर हम साइन की बात कर रहे हैं, सिग्निफायर सिग्निफाइड की बात कर रहे हैं, तो मीडिया स्टडीज़ में भी अगर आपको एक साइन मिल रहा है, बेशक वो वर्बल है, वो आपके पास आ रहा है, एक साइन है, ठीक है, उसकी आप डिवियंस करें कि आपको मटेरियल एस्पेक्ट उस चीज़ का जो मिल रहा है वो सिग्निफायर है और जो मीनिंग आप परसीव कर रहे हैं वो आपके पास सिग्निफाइड है। तो ये उसने कहा कि इस पूरी स्टडी का जो नाम है दैट इज सेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साइंस एंड द साइंस सिस्टम, ठीक है, सेमी SEME, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही साइन है, ठीक है। तो सेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड साइंस सिस्टम दैट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय द स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डे सोशियोर। अपनी बुक कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि साइंस सिग्निफाइड और सिग्निफायर जो है ये होते हैं और किस तरीके से हम इसको अपने कल्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली इस थ्योरी में है क्या। अगर आप मेरे सामने स्लाइड्स खुली हुई आप ये देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ यही बताया गया है कि बार्थ्स ने एक ऐसा वे दिया था जिससे हमें ये पता लगता है कि हर टेक्स्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, बेशक हम उसको पॉजिटिव सेंस में लें या नेगेटिव सेंस में लें, इट डिपेंड्स ऑन आर परसेप्शन कि हम उस चीज़ के बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, ठीक है। और मीडिया भी एक सिस्टम है साइंस का, मीडिया के अंदर साइन ही साइन है। मीडिया के थ्रू जो हमें जो प्रोडक्ट के थ्रू मिल रहा है वो एक सिग्निफायर है, ठीक है, एक ऐड जो है वो एक सिग्निफायर है और हम उस चीज़ से क्या मीनिंग परसीव कर रहे हैं वो हमारे पास सिग्निफाइड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली बार्थ्स ने क्या कहा था। हियर इट इज़ रिटन कि फर्डिनेंड डी सोशियोर, इस लिंग्विस्ट की बेसिस पर बार्थ्स ने ये अपनी पूरी थ्योरी दी थी। अब देखें बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ दो टर्म्स मिलेंगी, एक मिथोलॉजी, ठीक है, और एक आपको मिलेगी, जस्ट अ मिनट लेट मी रीड दिस, और एक कॉनोटेशन। देखें कॉनोटेशन एक ऐसी चीज़ होती है, आप सिंपल ये समझ लें, एक कल्चरल सोफिस्टिकेशन होती है कि आप एक चीज़ को लेकर उसकी बाउंड्री बना लेते हैं कि अगर किसी ने मेरे सामने ये वर्ड ले लिया है इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आप देखें अगर आप किसी को रेड रोज़ देते हैं, इट वो लव को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी एंड अगर आप किसी को जाकर वाइट रोज़ देंगे, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी को वाइट रोज़ नहीं दे सकते, लेकिन सोसाइटी की कॉनोटेशन या सोसाइटी की थिंकिंग इस तरीके की बन चुकी है कि आप अगर रेड रोज़ देंगे तो वही सिर्फ लव को शो करेगा। वाइट रोज़ या येलो रोज़ या पिंक रोज़ आपकी उस फीलिंग को या उस सोसाइटी की जो एक आप ये समझ लें क्राइटेरिया बना हुआ उसको फुलफ़िल नहीं करेगा। तो ये कुछ कॉनोटेशंस हैं कि एक चीज़ को एक जगह के साथ सोफिस्टिकेटेड कर देना कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट का मतलब यही है। तो ये बाउंड्रीज होती हैं जो कि कल्चर या सोसाइटी खुद बनाता है। ओके नेक्स्ट, ओके दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सिर्फ इस वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं कि बार्थ ने किस तरीके से अपने इस पूरे को
मतलब एक्सप्लेन किया अपने पूरे टाइम को। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना स्ट्रक्चरलिज्म की, स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम साइंस के सिग्निफायर और सिग्निफाइड के आपस में रिलेशंस बताते हैं, बेसिकली सिंपल साइंस के रिलेशनशिप्स को बताते हैं। अगर हम सेमियोटिक्स की बात करें तो सेमियोटिक्स में हमें सिर्फ साइंस का पता लगता है कि बेसिकली जो मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं साइंस से हमें उनका पता लगता है। मिथ की अगर हम बात करें तो उन बिलीव्स की या उन आप ये समझ लें जो सोसाइटी में चीज़ें आम होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशंस जो होती है ना एक सोसाइटी के बारे में सर्टेन कॉन्सेप्ट्स को लेकर, उसको हम कहते हैं मिथ। और अगर मैं बात करूं सेमियोटिक्स की, इट इज़ द स्टडी ऑफ साइन। अब आप देखें साइन को दिस इज़ अ यूनिट दैट मेक्स मीनिंग। मीडिया की लैंग्वेज में हम साइन की डेफिनेशन लेते हैं। मैंने आपको कंप्लीट वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाया बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इस चीज़ को सिर्फ आप समझें कि बेसिकली मीडिया स्टडीज़ में, मीडिएशन में हम साइन सिग्निफाइड सिग्निफाइड को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो साइन इज समथिंग दैट मेक्स मीनिंग। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ, ठीक है, एक बच्चे की पिक्चर दिखा दूँ, आपके पास साइन है, अब वो पिक्चर आपको क्या मतलब पिक्चर कैसी नज़र आ रही है आपको, वो सिग्निफाइड होगा और जो आप मीनिंग परसीव करेंगे वो सॉरी जो आप पिक्चर देखेंगे वो सिग्निफायर होगा और जो मीनिंग आप परसीव करेंगे वो सिग्निफाइड होगा। अब आप देखें कि अगर आप एक चीज़ को गौर से देखते हैं तो आपको पता लगता है अच्छा ये चीज़ इस तरीके की है, उस चीज़ को हम आइकन बोलते हैं, कि हमें उस चीज़ को देखने से पता लग जाता है कि मतलब अगर मैंने बच्चे की पिक्चर दिखाई है आपको पता लग गया कि ये बच्चे की पिक्चर है, ये आइकन है, ठीक है। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं कि एक लाइक एक बीच है और उस पे फुटप्रिंट्स हैं किसी के, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से कोई चल कर गया है, तो वो इंडेक्स होगा कि किसी चीज़ का कॉज और इफेक्ट है, कि ये हुआ था तो फिर ये हुआ है, कि यानी कि कोई इंसान यहाँ पर चला है तो उसके कदमों के निशान आए हैं। तो ये एक कॉज एंड इफेक्ट की डेनोटेशन होती है इंडेक्स। और सिंबल हमारे पास एक ऐसा साइन, एक ऐसी कॉनोटेशन होती है जो हमें एक ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करवाती है जिसका कोई लॉजिकल रिलेशनशिप हमें नहीं मिलता अपनी चीज़ों के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर आपने कबूतर का साइन देखा हो, ठीक है, पिजन, वो पीस को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे पिजन का साइन बना होगा, इट सिंबलाइजेज पीस। अब किसने बोला है भाई वो पीस सिंबलाइज करता है, लेकिन एक सोसाइटी क्राइटेरिया बन चुका है। अगर हम बात करें फीमेल और मेल साइंस के, यानी कि एक सर्कल बना के नीचे क्रॉस का साइन और एक सर्कल बना के ऊपर अहेड एरो का साइन, ये मेल और फीमेल की कॉनोटेशंस है, लाइक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। कि अगर आप सिंबल देखें आपको फौरन समझ आ जाएगा कि ये फीमेल या फीमेल का सिंबल है, बट इफ़ यू सी द साइन ऑफ द मेल सेक्स तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि ये मेल्स का सिंबल है। तो दीज आर द कॉनोटेशन दैट आर बेसिकली एक क्राइटेरिया बना देते हैं कि ये सोसाइटी ने इस क्राइटेरिया को सेट किया हुआ है, डैट इज सिंबल। सो सिंपल अगर मैं बात करूँ इस पूरे टॉपिक में, मीडिया को हम इस तरीके से देखते हैं कि इन मीडिएशन, मीडिया इज समथिंग दैट शेप्स आर माइंड। मीडिया इज अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स द एंटिटीज, विच एंटिटीज, इट कनेक्ट्स द ऑडियंस एंड इट कनेक्ट्स द सेलर, जो कि अपनी आइडियोलॉजीज को या अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। एंड एट द सेम टाइम हम ये देखें द इंफॉर्मेशन दैट इज शेपिंग आर माइंड, द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रूविंग समथिंग रोंग और राइट इज ट्रिविया। दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो कि मैं आप सम अप कर रही हूँ। और उसके अलावा हमारे पास सोशियो की डाइकॉटमी आती है कि देयर इज अ साइन विच इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू द सिग्निफायर और द सिग्निफाइड। सिग्निफायर इज द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द साइन, वेल सिग्निफाइड इज द मीनिंग दैट वी परसीव आफ्टर सीइंग द सिग्निफायर। अब आप देखें कि हर चीज़ का मीनिंग है, हर चीज़ हमें सिग्नल देती है, वो सिंबल हो सकता है, वो इंडेक्स हो सकता है, वो आइकन हो सकता है, एंड दैट आर ऑल द टाइप्स ऑफ साइन। बेसिकली साइन इज अ इम्प्रेशन कि हम इस एक चीज़ को लेकर क्या देखते हैं। एक अगर मैं आपको एक बच्चे की पिक्चर दिखाऊंगी आप समझ जाएंगे कि वो पिक्चर है, लेकिन सोशियो के मुताबिक वो पिक्चर नहीं है, वो बेसिकली एक साइन है। अगर मैं आपको बुक दिखाऊंगा फौरन समझ जाएंगे वो बुक है, लेकिन सोशियो की नज़र में वो एक मटेरियल नहीं है बल्कि वो एक साइन है। तो ये एक हमारे पास थ्योरी थी सोशियो की। अब रोनल्ड बार्थ्स ने क्या किया, रोनल्ड बार्थ्स ने उसको उठाया और मीडिया पर अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट थ्योरी थी डैट वी सी अबाउट द मीडिएशन इन साइंस सिग्निफायर और सिग्निफाइड अकॉर्डिंग टू रोनल्ड बार्थ्स एंड फर्डिनेंड डी सोशियर। इसमें अब मजीद कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। येस, इन द बुक देर आर सम एग्जाम्पल्स रिटन। कि अगर हम बात करें ना, वैसे अगर मैं आपसे अभी आम के दौर की बात भी करूँ तो वो कुछ स्लोगन्स मिलते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है, दीज आर द टर्म्स डैट शेप्स द माइंड्स ऑफ द पीपल। और इसी तरीके से आप कुछ एड्स देखेंगे कि आपको उस एड्स के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी डैट इफ़ यू सी द एड ऑफ डालडा। अब डालडा को मदर लव के साथ अटैच कर दिया गया है, ठीक है, जहाँ डालडा वहाँ मामता। सो दीज आर द थिंग्स दैट मीडिया शेप्स आर माइंड।
So what happens that when you see an ad, when you see some mediation, you first think of the meaning that is given to you by the society. आप society की perception या society की create की हुई boundary से अपनी meaning को perceive करते हैं. So Barthes ने और Saussure ने यही कहा कि आपको जो sign दिखाया जा रहा है, जो signifier आपके पास है, आप उसी के मुताबिक signified बनते हैं. यानी कि आप अपनी society की connotations, society की denotations के हवाले से उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी चीज़ों को perceive करते हैं या उन meanings को interpret करते हैं. So in the next videos we will be going to define the interpolation or intertextuality in the ads or advertisements और उस media studies में हम उसको discuss करेंगे. But in today's video it was a general kind of introduction about the mediations. So if there will be any kind of question, then you can ask me in the comment section. Thank you so much and take good care of yourselves. Allah Hafiz.